वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मेड्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम सीन देखते हैं कि जो जिमिन था उसको उसके रूम में ले आते हैं और फिर ले जाते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि 3 आवर्स बाद का सीन जहाँ जो जिमिन आया वो स्लोली स्लोली अपने आईज ओपन करता है। और फिर वो जब देखते हैं कि ना वो अपने रूम में अकेला, तो फिर ना वो अपने हेड को मसाज करने लगता और वो सोचने लगता है वो यहाँ कैसे आया। तो उसको याद आता है कि ना हाँ वो तो रूम में ही सो रहा था। तो फिर ना वो इच्छा कल करते हैं कि ना मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, इस तरह बोलते। और फिर ना उठते और फिर खुद को मिरर में देखते हैं, एक स्माइल करते हैं और फिर फ्रेश अप होता है और फिर नीचे जाता है। नीचे जाता है देखते हैं कि नीचे कोई कोई भी नहीं है सिवाय सर्वेंट्स के। बट जो वो सर्वेंट्स को देखते हैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ सब सर्वेंट्स जितने भी थे वो अब सब सर्वेंट्स चेंज हो चुके थे, बिकॉज पहले वाले तो सारे हॉस्पिटल जा चुके थे इसलिए न्यू सर्वेंट्स हायर थे। तो फिर ना जीवन उनको देख के कन्फ्यूज हो जाता है। और उस टाइम पे ना पीछे से वॉइस आती है, तुम उठ के, वो आवाज़ आती है। तो फिर ना पीछे मुड़ते और कहते हैं और फिर ना स्माइल कहते हैं, बिकॉज पीछे ही होंगी था। और उसके पीछे वो दोनों भी थे हमारे वीकू, तो वो भी आते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। उसी टाइम पे ना वहाँ पे ना वी कुक यून के फादर्स भी आ जाते हैं। और फिर ना वो ना जब जिमिन उनको देखते हैं तो फिर ना कहते हैं फादर्स आपको पाए, वैसे बोलते और फिर ना स्माइल कहते और फिर उनको वो करते हैं। तो फिर ना ये देखे ना वो सब जो होते हैं छः के छः सारे शो कर जाते हैं। और फिर ना एक दूसरे की तरफ जो फादर्स होते हैं वो तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर ना वो जो हमारे वीको क्यून है वो भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना तुम्हें याद नहीं है कि हम कब आए थे, ना मिस्टर किम बोलते हैं। तो फिर ना कहते कि ना नहीं डैड हमें मुझे तो नहीं याद, क्या मतलब तो मुझे याद नहीं है सच में, वैसे हम बोलते हैं। और फिर ना उनकी तरफ देखने लगते हैं कंफ्यूज फेस पे। तो फिर ना वो सारे अब उनको कोई आइडिया नहीं होता कि अब वो क्या बोले। और फिर ना जो मिस्टर जियोन होते हैं उनको ना उसको ना ऐसे सस्पिशियस लुक से देख रहे होते हैं। तो फिर ना जो जियोन होता है वो ये चीज़ नोटिस ही नहीं करता। उसके बाद फिर ना जाता है अपने अल्फाज के पास, मतलब हमारे वी कुक यून के पास जाता है। और फिर ना वो तकते हुए कहते हैं कि ना अल्फाज वो सारे सर्वर्स चेंज ही हो गए, ये सारे यहाँ पे न्यू सर्वर्स की हुए। तो फिर ना वो और कन्फ्यूज हो जाते बिकॉज सबको यहाँ पे तो जो जिमिन के चीखने से शॉट करने से वहाँ सब सर्वर्स की ये हालत हो गई थी। और वो अब कन्फ्यूज थे और शौक होते हैं ये देखे कि ना जिमिन को कुछ याद नहीं है। तो फिर ना जो युंगी होता है वो ना कोल्ड वॉइस में बोलते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना एक पॉट करते हैं और फिर कहते हैं मीन, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना अंदर किचन में चले जाता है। तो उसके पीछे ना जो वी होता है वो चला जाता है। और जो जंगो युंगी होता है वो ना अपने फादर्स की तरफ देखते हैं और कुछ बोलते नहीं। और जो उनके फादर्स होते हैं वो वहाँ से ना डिसअपेयर हो जाते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं तीनों। और फिर बात करने लगते हैं कि ना उसको कुछ याद ही नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ना पता नहीं, बट वो एक बेनिशी की तरह उसने जितने ज़ोर से वो चीखा है वो एक बेनिशी से भी डबल पावरफुल है वो बेनिशी। कहते हैं कि नहीं भूल गए, हमने उसकी टेल देखी थी, उसने हमें अपनी टेल से हिट किया था। तो फिर ना वो तीनों ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते थे। तो फिर कहते हैं कि ना वो दो क्रीचर एक साथ तो नहीं हो सकता, बट उसको कुछ याद क्यों नहीं है। उससे ना ही हमें फील हो रहा है कि वो बेनिशी है, ना ही हमें फील हो रहा है कि वो फॉक्स है। एक्चुअल में वो है क्या हमें पता लगाना होगा, और तो या तो इसको जल्दी से इसके बारे में पता लगाना होगा या फिर जमीन को बस ये जल्दी से ना हमें मारना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर ना वो तीनों ये प्लान बना रहे होते हैं, कहते हैं हाँ। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ना जो वी होता है वो जिमिन के ना पीछे पीछे जो किचन में आ गए थे। तो फिर जो जिमिन होता है वो फिर ना उन सर्वेंट्स की तरफ देखते हैं उनको ना हल्का से वो करता है। तो फिर ना वो सर्वेंट्स कहते हैं आप हमें वो ना करें एम्प्रेस, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना खुद फुल 360 डिग्री सारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो करने लगते हैं। तो फिर ये देख के ना जो जिमिन होता है वो अपने ना फेस पे जोर से नए से ना मारता है, हाथ मारता है। तो फिर ना सारे सर्वेंट्स उनको देखने लगते हैं, जिमिन को कन्फ्यूज हो गए। तो फिर ना
जो होते हैं गधा वो कहते हैं कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, तो फिर ना वो पाउट करता है और फिर कहते हैं कि ना मुझे इस तरह की ना उसकी ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे पहले वाले सर्वेंट, पहले जितने सर्वेंट्स थे वहाँ मैंने उनको बहुत मुश्किल से समझाया था, मनाया था कि ना मुझे वो बो ना करे, मुझे एम्प्रेस ना बुलाए, मुझे मेरे नाम से बुलाए, और अब मुझे फिर से समझाना पड़ेगा। मैं इतना टायर्ड हो जाऊँगा ये सोते, और फिर ना वहाँ पे ना ऐसे ड्रामा करने लगता है। तो फिर ये देखे ना जोते हैं तो वो ना जीवन को ही देख रहा होता है कि वो कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, बट उसको ना ये बहुत क्यूट भी लगते हैं और वो कुछ बोलता भी नहीं है जीवन को। और फिर ना जीवन कहते हैं ना पापा ने सुन लिया ना, आप मुझे जीवन बुलाओगे और आप मुझे बोर नहीं करोगे। तो फिर ना वो कहते हैं ना बट एम्प्रेस, तो फिर क्या कर, तो फिर वो कहते हैं ना कहा ना जीवन बुलाओ। तो फिर ना जो तेंगो था वो कहते हैं ना आप ना इसको एम्प्रेस बुलाओगे और वो आपको 360 डिग्री इतना ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना हेड नोट कर दिया करना। तो फिर जब वो सर्वर्स कहते हैं ओके एम्प्रेस वैसा बोलता है, तो फिर ना जीवन पाउट करता है और फिर कहते हैं ना एम्प्रेस ना बुलाओ मुझे। तो फिर ना जो तेंगो था वो उसकी तरफ देखता है और कुछ बोलता नहीं है, उसको ना एक कोल्ड ग्लेयर देता है। तो फिर ना जो तेंगो के ना कोल्ड ग्लेयर से ना जो जीवन होता है वो डर जाता है और कहता है ओके ओके ये जो फेस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे डर तो नाइट में रहा है ना और मैं ना सो सका फिर मुझसे उबरा कोई नहीं होगा, वही सब बोलता है। फिर ना पाउट करता है, तो फिर ना जोते हैं होता है वो उसी को देख रहा होता है और फिर ना एक चक्कर करता है और फिर अपना हेड ना डिसबिलीव में लाता है। तो फिर ना ना इस तरह की हरकतें देख के ना जो जिमिन होता है वो गुस्से वाला पाउट कर लेते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो उसके बाद फिर ना सर्वर से साथ जाता है और फिर ना कुकिंग करने लगता है। तो फिर टैंग कहता है क्या करें वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो वह हट हो जाएगा। तो फिर ना टैंग जो जिमिन कहता है नहीं होगा मुझे कुकिंग करनी आती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसकी ये बात सुन के ना जो टैंग है वो उसकी ना देखने लगता है उसकी तरफ, तो जो जिमिन होता है वो ना कुक करने लगता है। और फिर ना जो तेंग होता है वो ना सब सर्वेंट्स को कहते हैं कि तुम सब यहाँ से जा सकते हो। तो फिर जो सर्वेंट्स होते हैं कहते हैं ओके, उसके बाद फिर ना जो वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जो जीवन होता है वो तेंग की तरफ देखने आता है और फिर ना वो कुछ बोलता नहीं है तेंग। और फिर ना वहाँ ना जीवन के पास जाता है और फिर ना वहाँ ना लटक रहे होते हैं। तो फिर ना एक ना जीवन को पहनाता है, एक खुद पहनता है और फिर ना जीवन की हेल्प करने लगता है। तो फिर ना ये देखे जीवन शौक होता है और फिर ना एक स्मेल भी करता है कि उसका ज्वेल्फ है उसकी हेल्प करे। और कुछ टाइम बाद वहाँ हमारे कुक यून भी आते हैं और फिर ना जब वो ये चीज़ देखते हैं कि ना जो तेंग है वो जीवन की हेल्प करे तो फर्स्ट तो वो शौक हो जाते हैं और फिर ना तेंग को देखने लगते हैं, बट ना उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती बिकॉज वो दोनों काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। जो हमारा अल्फा था जो हमारा तेंग था वो तो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था, और जहाँ पे हमारा जिमिन था उसके फेस पे ना थोड़ा सा फ्लोर लगा हुआ था और ना उसके हाथ ना कसार एकदम जमे हुए हुए थे, थोड़े ऐसे हुए हुए थे फ्लोर वाले, तो वो भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था उस टाइम पे। तो इस वजह से ना उन दोनों के फेस पे एक छोटी सी स्माइल हो गई और ना बहुत खुद भी शौक हो रहे थे कि उनके फेस पे स्माइल है, बट वो ना उनको ना वार्म फील होता है उनके हार्ट पे। तो फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते और फिर ना वो दोनों भी ना जाते और फिर ना एक एप्रन पहन लेते और फिर ना वो भी ना जीवन की हेल्प कराने लगते हैं। तो फिर ना जो जीवन होता है वो ना स्माइल रहता है ये देखे कि ना उसके अल्फाज उसके साथ आए हैं उसकी हेल्प कराने। तो उसी टाइम पे ना जब कुकिंग करते हुए हाफ आवर गुजर जाता है वहाँ पे ना हमारे वी कुक यून के ना